ए सुनो कौन हो तुम ए मिस अरे कहाँ चली गई राज त्रिशा को किडनैप करने का प्लान फेल हुआ था नेक्स्ट प्लान में तुम्हें मुझे फुल कॉपरेट करना ही होगा ये एडवांस भेज रहा हूँ बाकी काम होने पर सक्सेना त्रिशा त्रिशा ये सब झूठ है मुझे फंसाने की साजिश है मुझे सब कुछ पता है ये सक्सेना की चीफ हरकतों में से है तुम्हें मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ तुम पर मैं शक करूं नो चांस फिर उन पर कैसे शक किया राज ही इज अ चीट ही इज अ फ्रॉड वो मेरे पिता हैं और वो मेरी माँ ये लड़की हमारी ही कंपनी में रहती है इसने जो कुछ भी किया हमारे ही कहने पर किया तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना इसलिए विश्वास करती हो गोपाल राव और सक्सेना की बातों पर विश्वास करके तुमने पिताजी पर शक किया मैं अपनी सफाई देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ आने वाले खतरे के बारे में कहने आया हूँ मैंने ही राज को तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा था इनकी नौकरी चली गई इसका दुख नहीं है पर तुम्हारा और तुम्हारी कंपनी का क्या होगा इसी की चिंता खाई जाती थी इसी कारण तुम्हारी रक्षा के लिए राज आया था पर तुम्हें सच्चाई नहीं बताई मैंने बालू के बारे में बताने की तुम्हें कितनी बार कोशिश की पर उषा की हालत देखकर कुछ नहीं कह पाया इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ इसमें राज की कोई गलती नहीं हमने जो कहा उसका साक्षी कोई नहीं पर भगवान को साक्षी रख के हमने सब कुछ कह दिया अफसोस तुम्हें अभी भी झूठ लग रहा है एक बार मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए आइंदा ये नहीं होगा मेरा आपसे वादा है मुझे खुशी हुई लेकिन उन सभी दुष्ट लोगों से अपनी कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है इस बात का ध्यान रखो बस आप लोग हाँ कर दीजिए यहाँ भगवान के सामने इस नारियल को तोड़कर मैं खुद ही खा जाऊंगा राज इट्स अ वेरी डेलिकेट मैटर उषा से कैसे कहेंगे मैं समझ नहीं पा रही हूँ शी इज वेरी सेंसिटिव बालू इस दुनिया में नहीं है ये बात उसे कैसे बताएंगे उषा को सब कुछ सच मैं बता दूंगा ट्रस्ट मी आई विल हैंडल हर ओके देखो मुन्ना त्रिशा और उषा दोनों की जायदाद अलग अलग बांट दी गई होगी तभी अपना काम हो सकता है मुन्ना अपना काम पूरा करना है हॉस्पिटल में राज के गेटअप में जाकर के माधव राम का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो करेक्ट बोलता है देखो मुन्ना तू राज का गेटअप लेके वहां पहुंच जा मैं डायरेक्ट वहां पहुंचता है छोटू किधर गया बे मुन्ना मुन्ना Hey!
ऐसे क्या दिख रहा है? जिस राज से तुम्हारी दुश्मनी है ये उसी का घर है। ए, तुम्हें इतनी चोट लगी ये देखकर उनको बहुत दुख हुआ। तुम्हारे लिए उनके दर्द को देखकर मेरा दिल तो पिघल गया। वो माँ बाप नहीं भगवान है। अरे मुन्ना, एक बात तो सही है, हम लोगों ने अपने धंधे में बहुत गलत काम किए हैं। माना कि पैसा है तो जिंदगी है, लेकिन माँ बाप के बिना जिंदगी वेस्ट है। भारती, भारती, हाँ, इधर आओ। आ रही हूँ। आज राज का जन्मदिन है, तुम्हें कुछ पता है? जन्मदिन होगा तो बस खीर पूरी, कुछ और नहीं बना सकती थी क्या? आपको पसंद नहीं तो मत खाओ, उसे पसंद है ना, इसलिए बनाया है। बताओ ये चैन कैसी है? सोने जैसी लगती है। सोना है तो सोने जैसी लगेगी ही ना, तुम भी कैसी बातें करती हो? पता है मुझे। ये क्या है? जानती हूँ, फ्रेंडशिप बैंड है। हर जन्मदिन में तुम उसे बांधते हो और वो तुम्हें बांधता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये देखो, इतनी छोटी सी चीज में इतनी बड़ी बात चुकी है। तुम्हारे लिए नहीं है, दे दो मुझे। अरे अब तुम बस भी करो, उसके जागने का समय हो गया, चलो। नमस्कार सर। अभी उठा नहीं वो? राजा, बेटा राजा। राजा, हैप्पी बर्थडे। अरे दोस्त, दुनिया की नजरों में हम दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे डैडी ने पैसे जमा करके ये चेन बनाया है, अच्छा है ना? बाबू, आयुष्मान हो मेरे बेटे, तुम 100 साल जियो मेरे राजा। अरे पगली, जिसके पास माँ बाप का आशीर्वाद हो वो तो हमेशा विजयी रहता है। ए छोटू, आदमी को अपनी जिंदगी में भगवान से भी ज्यादा माँ बाप के प्यार की जरूरत पड़ती है। रात में कहाँ पे था? कल की बात की वजह से माधवराम बहुत ही ज्यादा शौक में थे, रात भर मैं हॉस्पिटल में था। आप कैसे हैं? अभी तो ठीक है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, मैं फ्रेश हो गया था। ओके? ओके। पिताजी, मैं हूँ राज। ये तो बॉम्बे से आया हुआ गुंडा है। हाँ पिताजी, भैया जो बोल रहे हैं वो सच है। भैया क्या बोल रहा है, किसे बोला भैया है? ये ले। राजा, उसने तुझ पे उलट कर वार नहीं किया। तुम्हारे माँ बाप का प्यार देखकर बदल गया, वो सच में बदल गया है। वो जानवर से आदमी बन गया, अब उसे उकसा मत। ये बदल गया है।